और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। महोदय, मैं देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, सम्मानीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि देश के अन्नदाता को आपने लगभग 78% बढ़ा के बजट दिया। भारत देश, लोग बोलते हैं 60 से 65% आबादी कृषि पे आधारित है। महोदय, 60 से 65 नहीं, लगभग 80-90% कहे तो भी चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से व्यापारी है, उन व्यापारियों को भी अगर गिना जाए तो वो भी कृषि से जुड़े हुए हैं। महोदय, किसान के घर में अगर कुछ आवक होगी, कुछ इनकम होगी, तो वो जब अपना मकान बनाएगा तो उस मकान के लिए भी सीमेंट, चूना, सलिया सब ले आएगा, तो उस व्यापारी का भी व्यापार फलेगा फूलेगा। उसके घर में पैसे आएंगे तो वो मोटरसाइकिल या कार या ट्रैक्टर खरीदेगा, तो वो पेट्रोल पंप भी चलेगा जिससे डीजल और पेट्रोल भरा जाएगा। और पेट्रोल और डीजल भरेगा महोदय, तो नेचुरल है कि टायर भी घिसेंगे, और टायर घिसेंगे तो टायर वाले की दुकान भी चलेगी, और टायर वाले की दुकान चलेगी तो नेचुरल है उसके घर में शादी ब्याह होगा, तो कैटरिंग वाले का काम भी चलेगा और टेंट वाला का भी काम चलेगा। 60 से 65 नहीं, 80 से 90% जनसंख्या जो है वो कृषि आधारित जनसंख्या महोदय। लेकिन उसके ऊपर आज तक पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। पहले महोदय एक विषय आता था कि फसल बर्बाद हुई, बच्चे को गिरवी रख दिया। एक किसान की फसल बर्बाद हुई, उसको ट्यूबवेल करवाना, मोटर लेनी है, बीबीसी की न्यूज है महोदय, तो उस बच्चे को, दो बच्चों को गिरवी रख के उसके एवज में 15,000 रुपए लिए, और 15,000 लेके उसने खुद के खेत में एक मोटर लगवाई। महोदय, उसके बाद में आता है किसान हजामत नहीं करवा पा रहा, ये दुकानदार से लगा हुआ है। महोदय, हजामत की दुकान पे, ये भी एक लातूर का ही विषय है, महाराष्ट्र का, 2012 का, लातूर के अंदर महोदय हजामत नहीं करवा पा रहे थे। उसका कारण था कि वहां के सारे किसान थे, उनकी फसल खराब हो गई। नहीं, ये आपकी तो शौक की होगी, आजकल क्या ये स्टाइल आ गया दाढ़ी वाला। महोदय, वहां पे वो नहीं करवा पाया, उसका एक ही कारण था कि किसान की फसल खराब हो गई और हजामत करवाने के पैसे नहीं थे। वो हजामत वाले की दुकान भी ठंडी हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि महोदय, सभी लोग कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को। महोदय, पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अगर सोचा है तो इस अन्नदाता के लिए सोचा, जो पूरे भारत का और विश्व में भी जो भी किसान है, वो किसान सबका पेट पाल रहा है, क्योंकि पैसे से भूख नहीं मरती है। भूख मिटाने के लिए अभी जैसे अर्जुन जी ने कहा, बहुत अच्छा भोजन बनाया महोदय, कल भी शायद भोजन का अनाउंसमेंट किया था, आज भी किया, हर रोज भोजन का अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि यहाँ के सांसद भी भूखे होते, तब वही किसान जो भोजन उगा रहा है, वही किसान अन्न डाल रहा है, उसी किसान के अन्न से हमारा पेट भर रहा है। और हम भी ये इसमें डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उस डिबेट के साथ साथ में पहले कभी नहीं सोचा, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि नहीं, इस किसान का भी हालत ठीक होनी चाहिए, सॉयल हेल्थ कार्ड निकाला। और महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख के करीब सॉयल हेल्थ कार्ड का वितरण हुआ, इसके लिए मैं संपूर्ण धन्यवाद दूं तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय को देता हूं। महोदय, पहले हमारी फसलें बहुत खराब, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैंने बहुत सारा ये सब कुछ देखा है, और मैं लगातार दो मेरा टेन्योर है उसमें भी कृषि में ही मैं कमेटी में रहा, क्योंकि मुझे एक इच्छा थी कि किसान का कहीं ना कहीं भला, और वो भला हमने 14 से देखने को हमें मिला। महोदय, 2014 में जब हमने ये सोचा कि ये किसानों की फसल जो बर्बाद हो रही है, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई, और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, महोदय मेरे क्षेत्र के अंदर 400 करोड़ रुपया ले जाके किसानों के खाते के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है, उसका श्रेय जाता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज देश के किसान को जरूरत है उसको संभालने की। व्यापारी की बात जरूर, व्यापारी की चर्चा होती है कि व्यापार होगा तो रोजगार होगा, रोजगार ये सारी चीजें, लेकिन महोदय किसान अपने बेटे को खेती में नहीं लगाना चाहता है। उसका एक ही कारण है, वो ये सोचता है कि अगर मेरे खेत में कुछ नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई कहां से होगी। और वो किसान आज एक देख रहा है कि भारत में देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, वो हर बार किसान के बारे में चिंता कर रहे हैं, इसलिए उस किसान के मुंह पे खुशी की लाली आ रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा
कि ये किसान इसको अभी कुछ चीजों की और जरूरत है। महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, मजदूरी बहुत महंगी हो गई, 500 रुपए में मजदूर नहीं मिलता है। वो खेती करता है, उसको खेती में समस्या है, एकाध उसको मजदूर चाहिए, लेकिन 500 रुपए में मजदूर नहीं मिलता है। रोजगार गारंटी योजना के तहत जो नरेगा है, उस नरेगा को अगर कृषि से जोड़ दिया जाए और उस किसान को अगर वो एक हेक्टर में खेती करता है और उसमें दो लोगों की अगर वहां पे काम लग रहा है, तो महोदय उन दोनों को नरेगा के तहत रोजगार डायरेक्ट उनके खाते में दिया जाए, ताकि उनकी एक फिक्स इनकम शुरू हो जाए, क्योंकि वो भी वहां पे रोजगार करके आपको अन्न उगा के दे रहा है, वो अन्नदाता है। मेरा आपसे निवेदन है, प्रधानमंत्री जी ने सिंचाई योजना के बारे में बात की और बहुत अच्छे से आज जैसे जल स्वावलंबन की मेरे मित्र ने पहले चर्चा की, आज सुबह में एक राजस्थान का गांव का जयपुर के पास में एक गांव है, उस गांव का देख रहा था कि किसानों ने सबने मिलकर वहां के जल की बचत की और वहां पे बहुत अच्छी जल की बचत हुई और उससे वो सिंचाई भी कर रहे। आज यही सारी चीजें किसान को देने की जरूरत है और वो ये सरकार दे रही है, ये सरकार एक प्रयत्न कर रही है, लेकिन उसके अंदर ये जरूर हमें करना चाहिए कि उस किसान को नरेगा से जोड़ दे, ताकि न्यूनतम मूल्य जो हम बोल रहे हैं उसमें भी किसान का रोजगार फिक्स होगा। तो जो प्रधानमंत्री जी को किसान की आय दुगने करने का जो एक लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य को हम पूरा कर पाएंगे, इसलिए नरेगा से जोड़ना इनको बहुत जरूरी है। महोदय, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कृषि मंडी में हम लोग जाते थे, मैंने मेरे क्षेत्र में देखा, महोदय राजस्थान में जीरे की उपज बहुत है और जीरा और इसबगोल तो हमारे वहां आती है, लगभग कई लोगों को रात को जरूरत पड़ती है, वो इसबगोल की सबसे बड़ी उपज अगर करता है तो वो मेरा क्षेत्र करता है। पहले एक बार कांग्रेस ने एक घोषणा कर दी महोदय कि हम एक फैक्ट्री डाल देंगे, वहां से पहले तत्कालीन बड़े नेता थे बूटा सिंह जी, वो आते थे तो घोषणा करने में क्या जाता है, घोषणा कर दी, लेकिन आज तक उस फैक्ट्री को नहीं देखा। मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में टोमेटो और ये इसबगोल की जो आवक है उसके देखते हुए वहां पे कोई ऐसी इंडस्ट्रीज खोली जाए जिससे वहां के किसानों को वहीं पे अपना माल बेच के उनको फायदा मिले, क्योंकि महोदय एक समस्या इसमें बहुत बड़ी आ रही हमारे लिए, टमाटर महोदय जब हमारी उपज बाहर आती है उस टमाटर को बेचने जाते तब कोई नहीं लेता है। हमने एक बार प्रयास भी किया कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह ऐसा कुछ अगर आता तो कई लोगों को पूछा भाई, उन्होंने कहा साहब टोमेटो में पानी ज्यादा इसलिए वो तो रह नहीं सकता है। हमने उनसे कहा कि इसके लिए कोई इंडस्ट्रीज आ जाए। महोदय, अगर सरकार अपनी तरफ से एक टमाटर के लिए 100 टोमेटो केचप बनाने की फैक्ट्री और एक इसबगोल की फैक्ट्री अगर मेरे क्षेत्र में डाले, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रोजगार भी उपलब्ध होगा और वहां के किसान, मंत्री महोदय वो टोमेटो केचप भी काम आ जाएगी, रेलवे के अंदर आपकी बहुत टोमेटो केचप जाती है और यहाँ पे भी सेंट्रल हॉल में भी मैंने देखा बहुत पुड़िया जाती है, तो वो पुड़ियों में काम आ जाएगी और मेरे किसानों को भला हो जाएगा। महोदय, 1 रुपए किलो टमाटर बिकता है, वो इकट्ठा करे या 1 रुपए किलो में क्या करे, अपनी भैंसों को और गायों को बोलता है कि भाई इसको डालो, लेकिन भैंस और गाय भी वो टमाटर रोज रोज नहीं खाती, क्योंकि जैसे लोग नहीं खाते वैसे उनको भी थोड़ा सा चेंज चाहिए। आजकल की गाय और भैंस भी अच्छा दूध देने लग गई, और जैसे हमारे वहां पे पड़ोस में बनास की डेयरी है, महोदय मैं गिरिराज सिंह जी से भी निवेदन करूंगा, बनास डेयरी है, बनास डेयरी में साहब हम 2 लाख लीटर दूध दे रहे हैं आज, और उस दूध से जैसा गुजरात में हुआ था एक क्रांति आई है, एक किसान परिवार 1 करोड़ का दूध बेचता है महसाणा के अंदर। महोदय, गुजरात में जो क्रांति आई वही क्रांति हमने हमारे क्षेत्र में लागू की, आज 2 लाख लीटर मेरे वहां के किसानों का दूध बनास में जा रहा है और किसान उससे अपना घर चला रहा है। महोदय 2 मिनट, मेरा आपसे निवेदन है कि उस बनास डेयरी को एक थोड़ी सी हमारे वहां पाबंदी लग जाती है, कभी कभी वो बोले इंटर स्टेट वाला लफड़ा आ जाता है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इसको कृषि से जोड़ा जाए, क्योंकि पशुपालन और कृषि दोनों एक ही है, ये आप नहीं है ये, लेकिन साहब इसको आप इंटर स्टेट करके जो हमारे को फंसा रहे हो वो गलत है साहब। मेरा आपसे ये निवेदन है उसमें इंटर स्टेट नहीं होना चाहिए, जैसे मैं मेरा धान कहीं भी बेच सकता हूं वैसे वो दूध भी मेरा रुका नहीं जाए, और बनास में जो दूध जा रहा है उस दूध का प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो हिस्सा भी हमें मिले, जो बनास से हमें नहीं मिल रहा है वो हमें दिलवाने के लिए रूपाला साहब आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो देखिए साहब कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए तो है कृषि से।
रामसेन का अर्जुन जी की बेटी भी वही ब्याई हुई है साहब, इनको भी बहुत बड़ी समस्या है, तो इनको भी ये चीज देखनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है महोदय, इसके अलावा मैं आपसे एक चीज और अर्ज करना चाहूंगा कि किसानों को जो ये ट्रैक्टर वगैरह विषय है, महोदय दो मिनट घंटी किसान में घंटी मत बजाइए, महोदय ऐसा है कि ये खेती जो है, इस खेती में एक चीज और देखनी चाहिए, जहां कृषि के औजार है महोदय 6 इंच डालना है वहां पे भी 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लगता है, वहां पे एक्चुअल में ट्रैक्टर लगना चाहिए 20 हॉर्स पावर का। महोदय 20 हॉर्स पावर में अगर वहां पे काम हो सकता है तो वहां 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर क्यों देना। इस तकनीकी को भी कृषि विभाग को चेक करना चाहिए और उनके औजारों को उसके मापदंड के अनुसार करना चाहिए ताकि डीजल वगैरह की खपत वहां नहीं हो और उनको भी इसका फायदा मिले। एक महोदय मेरा निवेदन आपसे ये जरूर रहेगा, इस किसान को हमें ऊपर लाना है, अगर इस किसान की आय को दुगनी करनी है तो जो कृषि से लगे हुए जितने भी यंत्र है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो कमिटी की रिपोर्ट है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे खेजड़ी हमारे वहां लगती है महोदय, अगर हर मेड़ पे पेड़ इस योजना को जो लागू किया है, मैं धन्यवाद देता हूं, उसके तहत अगर खेजड़ी और जाल को हम अनुदान के तहत किसान को प्रोत्साहित करें कि हर मेड़ पे ये पेड़ आप डालो, महोदय हमारे बिश्नोई समाज के 363 लोग इसके लिए शहीद हुए थे खेजड़ी के लिए, और राजस्थान में इसको तुलसी करके हम पूछते हैं, और खेजड़ी की जो सांगरी है, केर सांगरी की सब्जी महोदय यहाँ पे सब लोग खाते हैं और सब लोग चाव से उसका टेस्ट भी लेते हैं। एक बार मुझे याद है 100% सर ऑर्गेनिक, एक बार मैंने कमिटी में विषय रखा, उन्होंने कहा सब ये तो जंगली पौधा है, और उसके 2 दिन पहले ही सम्मानीय पूर्व एक प्रधानमंत्री महोदय ने अपने खाने में केर सांगरी की सब्जी रखी थी और उस थाली का रेट आया था कुछ 7,000 रुपए। मैंने कहा भैया ये कैसे आप कह रहे हो, तो जंगली खाना सब लोग खा गए। अरे जंगली नहीं है, ये तुलसी है और 100% ऑर्गेनिक। जाल है सर, उसमें पीलू आते हैं, उस पीलू की कोकड़ी बनती और लू नहीं लगती है सर, उसका तेल भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें अगर हम करें तो महोदय किसान का उत्थान होगा, इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है आप इसमें जरूर हमें मदद करें। और मंत्री महोदय, कृषि मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि कृषि मंत्री महोदय इसमें हमें किसानों के उत्थान के लिए थोड़े और कदम उठाए और नरेगा को इससे जोड़ा जाए। मेरे क्षेत्र में एक और छोटी सी समस्या महोदय, माई बजाज का पानी बहुत पुरानी हमारी मांग है। पहले एक समझौता हुआ था गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में, वो नाथूराम जी ने किया था सर, उसके टाइम पे नर्मदा का पानी हमें देने वाले थे, नर्मदा का कम आया, माही का पानी है, उसके एवज में अगर आप दातीवाड़ा डैम से हमें थोड़ा पानी देंगे तो शायद मेरे क्षेत्र में भीनमाल और